सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोलें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है। तू अपनी शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अंध जीवन की ओर ले चल। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा के चिन्ह बनाया। एक कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू बलगढ़ेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना। हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है। ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुद्धित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यतापूर्वक स्वीकार करें। हम तो इसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, तू मृत्यु पर विजय पाकर कलीसिया में हमेशा विराजमान है और उसे अपने नव जीवन से संपन्न कर। यह कृपा दे कि हम तेरे पुनरुत्थान और बलि जीवन के सहभागी होवे। तेरी शांति और समाधान हमारे समूह परिवार और सारी मानव जाति में निरंतर निवास करे सदा सर्वदा। आमीन। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु, तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नव जीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए, हे प्रभु मसीह, तू मृदुओं में से सबसे पहले पुनरुत्थान होकर हमारे लिए पहलौठा बन गया। तेरा पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन और महत्व प्रदान करता है। तेरी प्रियतम कलीसिया अलंकृत वधु के समान और संतों के साथ उल्लसित माता के समान तेरे पुनरुत्थान में आनंद मनाती है। हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे मरण और पुनरुत्थान में आनंद मनाएं और उनकी स्मृति के दिव्य रहस्यों में भक्ति भाव से सहभागी बने। सबके प्रभु ईश्वर, हमारे पाप और अपराधों का मैल अपनी कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हमारे पापों और कलंक मिटा दे। परमेश्वर मेरी शरण आगा, प्रभु परमेश्वर
दूतगणों की संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन माता मरियम और धर्मी यूसुफ को स्मरण होवे बलि वेदी पर अधिकार से अनंत काल सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। बहुत सृष्टि का कर्ता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चा ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में
हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रदेश रश्मा धर्मदेशम तथा धर्मदेशम याजगों तथा उभय याजगों एवं ब्रह्मचारी योद्धों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा एवं बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चाताभी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं हम सदासीन की ओर ध्यान लगाए या जो प्रार्थना करने लगे कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रवचनों पर लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। पावरदान परम पिता का प्रेम महान दिव्यात्मा के सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत के हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में त्रित्व काराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णीय उपकार किया है। हे प्रभु सर्व स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पावन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर
तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए विदास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया,
हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानम तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगतगुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संभुज पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप राफेल तटिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियास के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रेम के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिदारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और योग्य है, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरण उत्सव में तेरी असीम एवं कृपा से इस माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपने सुख शांति प्रदान कर। सभी भुवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माधीक्षों याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्थान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरण उत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मंडक का भक्तिभाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज से अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान रत्न मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाए तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते हैं और आराधना बारंबार। आमीन। ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा में इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यम के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
सब मुझ में सर्वदा रहते अनश्वर जीवन वे ही पाते अपने मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा ही हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा आमीन। अमूल्य शरीर रक्त के रहस्य के समीप जाए पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुड़ मोड़ कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंधकारन को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने आत्माओं को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके। तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकार इस प्रकार कहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध दा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट के साथियों से हमें बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है एकमात्र पिता पवित्र है एकमात्र पुत्र पवित्र है एकमात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो आमीन। जीवंदेश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नवजीवन दिया तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीभ अशक्त है।
हमारे जीवन दाता प्रभु ईसा मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। समस्त लोगों आइए प्रभु के मर